नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और हम पहुँचे हैं आजमगढ़ के जयराजपुर में, और यहाँ पे हमने नई चीज़ देखी, मछली पालन का बहुत ही बढ़िया कारोबार है यहाँ पे। और हमारे आसपास चारों तरफ मछली पालन का ही दिख रहा है, बड़े बड़े तालाब दिख रहे हैं, और इसको देख करके तो मज़ा आ गया। तो आपको एक बार लुक दिखाता हूँ पूरा। इधर से शुरुआत होती है तालाब की, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से ये मकान बना हुआ जहाँ सारा कंट्रोल होता है। तो हमारे ये ओनर भी हैं तालाब के, भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी हैं, और बड़ा अच्छा लगा मिल करके। इन्होंने बहुत कुछ बताया मछली पालन के बारे में, कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पे पाल रखी हैं सर? यहाँ पे है आपकी रोहू है, रोहू, भाकुर है, अच्छा, ये और फिर रूपचंदा है, और ज़्यादा पर हाँ ज़्यादा प्याज, हाँ परसेंटेज ज़्यादा उसका पंगास, ज़्यादा परसेंटेज उसी का रहता है पालन, पंगास, हाँ पालन तो उसी जोर उसी पर रहता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि आप जौनपुर तक सप्लाई करते हैं, क्या लखनऊ तक भी जाती होगी यहाँ सप्लाई? दूर से गाड़ियाँ आती हैं यहाँ से, अच्छा, काफ़ी दूर दूर से आती हैं गाड़ियाँ। अब यहीं निकल रहा है सामने, अभी रात में आएंगी गाड़ी, अच्छा अच्छा, सामने वाली है, हाँ वहाँ निकल रही, रात में आएंगी गाड़ी, अच्छा अच्छा, गाड़ी आती है दूर दूर से आती है लेके जाती है। तो कैसे पता चलता है कि ये मतलब अब बिकने लायक हो गई हैं, कितने किलो की हो गई? दाने पे एवरेज लगाता है अभी, अच्छा, दाना कितना खिला चुके हैं, दाना बिकने, तो कितना समय लगता है तैयार होने में लगभग? देखिए समय तो इसे अलग है, जैसा बच्चा ला के डालेंगे आप 100 ग्राम 200 ग्राम उसी हिसाब से टाइम लेगा, छोटा अच्छा। बच्चा है तो सालों का वक्त चला जाता है। अच्छा, अगर छोटा है तो सालों लग जाता है? लगता है, चाहे कोई भी हो, साल से कम टाइम नहीं लगता है। अच्छा अच्छा। और ये रोहू भाकुर हैं, ये सब और लंबा लेते हैं। अच्छा, कम टाइम की तैयारी में यही है, प्यास है आपकी और रूपचंदा है। अच्छा, रूपचंदा कितने दिन में तैयार होती है? सब ये दोनों एक, दोनों अगर बच्चे से जोड़ेंगे जिस दिन से पैदा हुए, तो एक साल का टाइम ले लेते हैं। एक साल का टाइम लेते हैं एक किलो साइज होने में। अच्छा, एक साल का। और पंगास वो भी सेम वही है। ये जो आप लोग दाना ले आते हैं, ये मुजफ्फरपुर वाला होता है या आंध्रा वाला होता है? आंध्रा वाला। अच्छा, मुजफ्फरपुर वाला जो अनमोल का होता है वो सर बढ़िया नहीं होता है? अनमोल वाला नहीं आता है। अच्छा, दाना बनता किस चीज़ का है? दाने में बहुत कुछ मिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या, इसका बहुत आइडिया नहीं। अच्छा अच्छा, क्या रखा हुआ दाना? तो मतलब जैसे अलग अलग साइज की फिश मिल जाती होंगी, अलग अलग तालाब में होती होंगी? हाँ, अलग अलग साइज की होती है, फिलहाल तो सबकी साइज एक ही जाएगी। अच्छा, सब एक ही साथ पड़े हैं, अब इसमें बच्चा पड़े हैं टोटल। कितने तालाब होंगे लगभग यहाँ पे जयराजपुर में, और यहाँ कितना होगा लगभग? लगभग मेरे ख्याल से 150 बीघा होना चाहिए। 150 बीघा? अरे एक दिन का एवरेज है 50 क्विंटल बता रहे हैं, एवरेज निकलती है पर डे लमसम एवरेज निकाल 50 क्विंटल, यही एवरेज आ जाएगा, उसी हिसाब से जो है भी। जैसे इतना तालाब आपने बनाया है, 6-7 तालाब दिख रहे हैं, कितनी लागत आती होगी इतना बनाने में? देखिए पहले कुछ और लागत आई, अब तो कम आ रही है, अब तो गाड़ी वाले बना रहे हैं, बीघा पीछे बना रहे हैं। जेसीबी वाले? नहीं नहीं, ट्रैक्टर वाले। ये ट्रैक्टर से बनता है? पहले ये जेसीबी से बना हुआ है। अच्छा, अब ट्रैक्टर बना रहा है, पहले जेसीबी से बनता था। हाँ। तो जेसीबी का थोड़ा सा अलग मामला था, उसमें कास्ट ज़्यादा आ रही थी, फिर थोड़ी सी टेक्निक चेंज हुई। अच्छा। उसमें थोड़ा सा और कम आया। हाँ। अब ये ट्रैक्टर वाले आ गए हैं। अच्छा, ट्रैक्टर में ही जेसीबी जैसा फिट कर दिया है? हाँ, वो पीछे उनके वो लोडर लगाए हुए हैं, वो खींचते हैं उसी से। अच्छा। और तकरीबन मेरे ख्याल से 35-40 हज़ार रुपये बीघा बनाते हैं, सीधा जमीन के बना देते हैं। बिजली का सस्ता है? हाँ, वो सस्ता पड़ा है, बहुत सस्ता पड़ा है, पहले बहुत महंगा पड़ता था, पहले 70-70 हज़ार रुपये बीघा खर्चा आता था। और बिजली का कनेक्शन वगैरह भी इसका? तो हाँ, कनेक्शन तो पहले झटका तो वही फुर्सत में होता है। तो कितना लगभग इसका बिल उल आता होगा? मीटर चलता है कि मतलब ऐसे चलता है? मीटर नहीं, मीटर फिक्स रेट, मतलब जैसे किलोवाट के हिसाब से ना? किलोवाट कितने किलोवाट का कनेक्शन? 3 किलोवाट का कनेक्शन मेरे ख्याल से 6,000 रुपया
अच्छा पूरे साल का, साल का ऐसे कुछ है, अभी बिल आई है। हाँ। बिल भी तो आती है एक जमाने पे एक जमाने पर मेरी आई, मैं देखा नहीं हूँ, 6000 कुछ रुपए की। आजकल बिल आती कहाँ है, ऑनलाइन कहते देख लीजिए, वही तो ऑनलाइन देख लीजिए। अकाउंट नंबर नहीं मिला था, जल्दी अकाउंट नंबर लिए हैं, अच्छा चेक किए तो 6000 कुछ रुपए थी, तो पिछले साल का कनेक्शन है, तो वही एक साल का आइडिया जोड़े की 6000 एक साल की हो गए। लेकिन इसकी देख रेख के लिए भी कुछ लोगों को रखे होंगे, कितने लड़के रहते हैं? दो हैं, हम खुद आते जाते हैं, मेरा काम तो इससे दवा का है। अच्छा, सही जो काम है मेरा। अच्छा हाँ, मेरा दवा का है। वही दोनों में जो ये खंडा है, अच्छा यही परमानेंट यही देखता है। ये बच्चे रहते हैं यहाँ पे, यही सुबह शाम। तो घर के ही हैं कि मतलब इनको बाहर से हायर? घर ही। अच्छा, घर ही। तो थोड़ा सा दाना वाना डाला जाए तो थोड़ा हम लोग भी देखें किस तरह से मछली। अच्छा ये जितना तालाब है कितना एरिया होगा लगभग? मुझे लगता 7 बीघा। ये दाना आ गया है, दिखाइए दाना किस तरह का है। अरे वाह, अच्छा ये है मछली का दाना। इससे छोटा बड़ा भी आता है क्या? अलग अलग साइज का। अच्छा, मतलब ये तो बड़ी टेक्निकल चीज है, मतलब बच्चों के लिए अलग डालना है और बड़ों के लिए अलग डालना है। अच्छा वो अब उधर से दूर से आने लग गई मछलियां ना, उधर से नहीं, बच्चे हैं। राजू भाई, ये मजा आ गया देख के। अरे ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई, गजब। इसमें तो मुझे लग रहा है आधा किलो की है लगभग, 300 ग्राम। बेटा थोड़ा यहाँ थोड़ा सा किनारे डालो, एक थोड़ा सा डालो। अच्छा अच्छा अब नहीं आएंगे, पेट भर गया इनका। ना, ना, अच्छा तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से और मछली के तालाब भी देख लिए, मछलियाँ भी देख ली, और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें आप।
और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।